तालिबान को लेकर पाकिस्तान की मोहब्बत एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। अफगानिस्तान में जारी तालिबान के खून खराबे के बीच पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पूर्व की अफगान सरकार तालिबान के खिलाफ प्रोपोगंडा फैला रही थी। कुरैशी ने आगे कहा कि अफगान सरकार का प्रोपोगंडा अब झूठ साबित हुआ है, क्योंकि तालिबानियों ने सरकारी कर्मियों के लिए आम माफी का ऐलान किया है। साथ में ही ये भी कहा है कि लड़कियों को पढ़ने से नहीं रोका जाएगा। कुरैशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, ये डर था कि तालिबान लड़कियों की शिक्षा पर बैन लगा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने आम माफी का ऐलान किया और वो स्कूल और कारोबार भी खोल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि वो बदला नहीं लेंगे और अब तक उन्होंने जो भी कदम उठाए हैं वो शांतिपूर्ण है, जिसका स्वागत करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ भी झूठा ट्रेंड शुरू हुआ, जो कि असफल रहा। कुरैशी ने कहा, पूरी दुनिया जानती है कि अफगानिस्तान में भ्रष्ट सिस्टम था। उन्होंने ये भी कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त अफगानिस्तान मसले के हल के लिए पाकिस्तान को एक जिम्मेदार देश मान रही है और हमसे संपर्क कर रही है। हम अफगानिस्तान में ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो दुनिया के लिए स्वीकार्य हो। बता दें कि पाकिस्तान हमेशा से ही तालिबान का पुरजोर समर्थक रहा है। यहां तक कि खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान में तालिबान राज का स्वागत किया है। इमरान ने तालिबान की वापसी को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने वाला तक बता दिया था। खैर, हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष।